हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका क्लीनिंग प्रोडक्ट चैनल में स्वागत है। आज हम आपको 30 लीटर डिश वॉश लिक्विड जो है बना के दिखाएंगे आपको, और अच्छा क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का आपको बना के दिखाएंगे, जो कि हमारा ये 22 रुपये लीटर में हमारे बन के तैयार होगा। जिसका फॉर्मूला जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको प्रैक्टिकल करके पूरा दिखाता हूँ। इसके लिए हमने सबसे पहले जो है यहाँ पर 20 लीटर पानी ले लिया है। 20 लीटर पानी लेने के बाद में इसमें हम सबसे पहला जो इंग्रीडियंट्स हमारा डालेंगे वो एसिड सेलेरी है, जो कि हमारा 1 किलो 110 ग्राम है। जितना हमने निकाला था उतना आपको बता दिया है। 1 किलो 100 ग्राम आप निकालेंगे इसको। मैंने 1 किलो 110 ग्राम मेरा निकल गया था, तो मैं 10 ग्राम उसको रिटर्न उसमें नहीं डाला हूँ। 1 किलो 110 ग्राम पूरा इसमें डाल दिया हूँ। एसिड सेलेरी जो है वो झाग और सफाई दोनों का काम करता है, और किसी भी क्लीनिंग के जो प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो पाउडर में हो चाहे वो लिक्विड में हो, एसिड सेलेरी उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। इसलिए यूज़ होता है कि ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स में से है, मेन रॉ मटेरियल में से है इसका। और ये जो है सफाई और झाग दोनों को बढ़ाता है, और पीएच को कंट्रोल करता है। जैसे अगर पीएच ज़्यादा है तो एसिड सेलेरी अगर आप डालेंगे तो पीएच लेवल उसका जो है न्यूट्रल होता है, तो इसलिए भी इसको डालना ज़रूरी है। 1 किलो हमने ये डाल दिया, 1 किलो 110 ग्राम। अब हम इसमें जो हमने यहाँ पर लिया था हमारा कास्टिक सोडा 1/2 किलो हमने लिया था, जो कि हमने पानी में मिक्स कर लिया अच्छे से, उसको अब इसमें मिक्स करेंगे। कास्टिक सोडा को हमने पानी में पहले से मिक्स करके रख लिया था, उसको पानी में डाइल्यूट करेंगे। कास्टिक सोडा डालने के जो कास्टिक ले डालने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे SLES लिक्विड, जो कि हमारा टोटल 2 किलो 200 ग्राम है। तो 2 प्लास्टिक के हमने बर्तन में इसको लिया है। 2 किलो 200 ग्राम हमारा SLES लिक्विड है ये, जो कि 28% वाला है। ये हमने इंदौर से मंगाया था SLES लिक्विड, और जो हमारा एसिड सेलेरी है वो हमने अहमदाबाद से मंगाया था। अगर आपको रॉ मटेरियल सप्लायर का नंबर चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा, कमेंट में आप मुझसे पूछ के नंबर ले सकते हैं। इसके बाद हमारा जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जो बचा है वो है AOS लिक्विड, जो कि 1 किलो 200 ग्राम है। 1 किलो 200 ग्राम हमारा इसमें AOS लिक्विड हमने डाल दिया है। जो हल्का फुल्का इसमें रह गया बर्तन में, इसको हम लास्ट में मिक्स कर लेंगे। आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं करेंगे, आज जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, इसलिए इसको थोड़ा पहले हाथ से मिला लेते हैं, उसके बाद इसको मशीन से मिक्स करेंगे। आज हमने थोड़ा सा इसमें ट्रिक हमारा चेंज किया है। हमारा जो एक्जंथन कम जो हमने थिकनर के रूप में डालना था हमको, उसको हम गर्म पानी में इसको मिला लिए हैं एक्जंथन कम को, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि ये मिक्स होने में टाइम लगता है। इसलिए एक्जंथन कम को हमने थोड़ा सा मिला के रखा है गर्म पानी में डाल के, उसको थोड़ा सा डंडे की मदद से हिला लेते हैं और फिर इसको डालेंगे। ये थिकनर का काम करता है, इससे जो है प्रोडक्ट ठीक होता है। कोई भी प्रोडक्ट में आप इसको डालेंगे तो आपका प्रोडक्ट ठीक होगा, लेकिन तो गर्म पानी में ही मिक्स करना पड़ेगा आपको। इसके पहले मैंने आपको जो है जो वीडियो बनाई थी उसमें ठंडे पानी में मिला दिया था, तो मेरा तो मिक्स हो गया, लेकिन बहुत टाइम लगता है इसको मिक्स होने में, ठंडा पानी में जल्दी मिक्स नहीं होता है। तो मैं आपको आज वीडियो में इसीलिए क्लियर पूरा बता दे रहा हूँ कि मैं, क्योंकि मेरा एक जो व्यूवर्स है उसने भी मुझसे कहा था कि आप जो है इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे रहे हैं। तो बात ऐसा है कि मैं जो है एक्जंथन कम जब मिलाया था ठंडे पानी में, तो मुझे भी मालूम नहीं था कि इसको गर्म पानी में मिलाया जाता है, लेकिन मैंने डाल के मिला दिया था, लेकिन मेरा चल गया था। कुछ दिन के बाद मेरा धीरे धीरे पूरा मिक्स हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको जो है सही जानकारी मिलना ज़रूरी है, ताकि आपका जो है प्रॉब्लम ना हो बनाने में। तो इसीलिए आज इसको गर्म पानी में मैंने पहले से मिक्स करके रखा है, और आपको बता देता हूँ इसको आप गर्म पानी में जब मिक्स करेंगे तो थोड़ा इसको घुमा लेंगे, और जितना ज़्यादा अच्छे से मिक्स करेंगे उतना अच्छा होगा ये आपके लिए, आपका जो है रेडी प्रोडक्ट जो है अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो ये हमारा एक्जंथन कम है, जो कि गर्म पानी में मिक्स हुआ है, उसको भी हम डाल लेते हैं।
इसके बाद हमारा जो है सिट्रिक एसिड हमने 100 ग्राम लिया प्रिजर्वेटिव के तौर पे, उसको डाल लेंगे। इसके बाद लास्ट में हमारा जो है वो नमक है 1 किलो हमने लिया है सोडियम क्लोराइड, उसको डाल लेंगे। आज बहुत जल्दी अभी मिक्स करके आपको बता देता हूँ सब चीज़। परफ्यूम जो है हम लास्ट में इसको मिक्स करेंगे, जब हमको इसको बोतल में जब डालना होगा तब मिक्स करेंगे। अब ये हमारा लास्ट में कलर डाल लेंगे, ये हमने फूड कलर लिया है, डिश वॉश लिक्विड है हमारा ये, इसलिए ये कलर आज मिक्स कर रहे हैं। लिक्विड डिटर्जेंट अगर हम बनाते हैं तो उसमें ब्लू कलर मिक्स करते हैं। लंबी वीडियो हो जाने से कोई जो है पूरा देख नहीं पाता है, कई लोग आधा देख के जो है वीडियो छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता फिर पूछते हैं, इसीलिए आज मैं जो है शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। उसको जो मिक्सिंग करना है वो मैं धीरे धीरे बाद में करते रहूँगा, आपको जो है जल्दी जल्दी मैं मिला के दिखा देता हूँ डाल के सारा केमिकल। अब इसको जो है मशीन से थोड़ा हम घुमा देंगे, इसका कलर पूरा मिक्स हो गया है। थोड़ा देर इसको छोड़ देंगे, मशीन को भी थोड़ा ठंडा होने का टाइम देंगे, इसको अच्छे से मिक्स। अभी और थोड़ा मिक्स होगा ये, इसको मिक्सिंग और करेंगे अभी, और इसके बाद 2-3 घंटे 4 घंटे छोड़ देने के बाद इसको हम भरेंगे। ये देखो जैसे जैसे इसका मिक्सिंग होगा इसका थिकनेस जो है आते जाएगा, अभी और थिक होगा, ये पूरा अभी मिक्स नहीं हुआ है। जैसे जैसे ये मिक्स होते जाएगा इसका थिकनेस जो है बढ़ते जाएगा, बहुत ही थिक ये हमारा डिश वॉश लिक्विड बन के तैयार होगा। और लास्ट में इसमें जो परफ्यूम है हमारा 50 ml हमको डालना है, जो हम डाल देंगे आखिरी में इसको, और डालने के बाद में इसको बॉटल में फिल करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है हम इसको थोड़ा देर और मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे। जब इसका सारा हो जाएगा उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा देर के बाद में इसको इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि मशीन को भी जो है ज़्यादा चला नहीं सकते हैं। देखो जैसे जैसे मिक्स हो रहा है वैसे वैसे ये और गाढ़ा होते जा रहा है, अभी और गाढ़ा होगा बहुत ही ठीक बन के तैयार होगा ये। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।